नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक की मुख्य खबर। महाराष्ट्र मुंबई में फीस के तहत प्राइवेट स्कूल्स वसूल रहे हैं बच्चों से ज्यादा पैसे। कोरोना महामारी के चलते और लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र सरकार और एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड ने प्राइवेट स्कूलों के लिए एक फरमान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि जब तक स्कूल बंद रहेंगे बच्चों से फीस ना ली जाए, पर प्राइवेट स्कूल्स ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और उन्होंने दलील पेश की कि अगर वो बच्चों से फीस नहीं लेंगे तो अपने स्टाफ को सैलरी कहां से देंगे। सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को कोई हक नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों को बच्चों से फीस लेने से मना करे। सरकार के इस फैसले को होल्ड पर रखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को बच्चों से फीस लेने के लिए हाँ कर दिया, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि बच्चों के पेरेंट्स से फीस लेने के लिए कोई जबरदस्ती ना करे और हो सके तो सपोर्ट में उनको फीस इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए ऑफर करें। पर सुनने में आ रहा है कि स्कूल्स बच्चों से फीस के साथ साथ लाइब्रेरी चार्जेस, लैब चार्जेस जैसे एक्स्ट्रा चार्जेस भी बच्चों से मांग रहे हैं, जिससे कि पेरेंट्स बहुत परेशान हैं और गुस्सा भी हैं। और उनका ये कहना है कि जब बच्चों को ना तो लाइब्रेरी से ना ही लैब से कोई फायदा नहीं है तो आखिर वो ऐसी फीस क्यों पे करें। अब देखना यह है कि इस सिचुएशन में सरकार और शिक्षा मंत्री क्या करते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबर। मैं हूँ रचना, देखते रहिए इन समाचार। जय हिंद।